हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे ACCA के एग्जाम्स जो हैं वो नियर बाय हैं, तो इसी के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में. सो देयरफॉर आई थॉट कि मैं अपनी एक लाइफ का एक पर्सनल किस्सा बता के आप सब स्टूडेंट्स को एटलीस्ट मोटिवेट करूं कि डोंट लूज होप इन दिस पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि ये जो लास्ट 10 डेज ऑफ रिविजन होता है ना, इसी में ही डिसाइड किया जाता है कि वेदर यू आर गोइंग टू एस इट और नॉट. तो ये किस्सा है मेरे ICAEW के एग्जाम का, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट एग्जाम होता है, दैट इज कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग. देखा जाए तो कहा जाता है उस पर्टिकुलर एग्जाम का पासिंग रेशियो काफी मिनिमल सा है, और इन पाकिस्तान ये तीन एग्जाम्स ही होते हैं, CR, SBM एंड केस स्टडी. अब जो CR का एग्जाम था वो मैंने दिया था जैसे ही कोविड का जो एक रिहैबिलिटेशन हुई थी आफ्टर कोविड, और सब लोग जो है वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हुए थे, तो ही आई डिसाइडेड टू परस्यू ICAEW एंड देयरफॉर आई गेव CR एग्जाम. अब उस CR के एग्जाम में ICAEW ने मुझे अलाउ किया एदर आई कैन गो फॉर रिमोट इन्विजिलेशन एंड या तो मैं फिर कैंपस जाके पेपर दे दूं. अच्छा, हम क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो आप सबको पता है कि एक ही लैपटॉप होता है और उस लैपटॉप पे आपकी फिंगर मसल्स में हर चीज सेव होती है, तो ऑब्वियसली आई वुड लव टू प्रेफर टू सॉल्व द एग्जाम ऑन माय लैपटॉप रेदर देन जो है मैं किसी और कीबोर्ड पे अपना एग्जाम सॉल्व करूं, क्योंकि CBE पेपर्स होते हैं और आप सबको ये पता है कि अब ACCA, ICAEW ये सब CBE पे मूव हो चुके हैं. तो आई डिसाइडेड, मुझे याद है नवंबर की वो अटेम्प्ट है फॉर CR, राइट. तो जैसे ही मैंने अपना रिमोट इन्विजिलेशन बुक किया, तो दे ग्रांटेड मी अ डेट कि इस डेट पे आपका एग्जाम होगा एंड आपने अपने रूम को इस तरह रखना है, पूरी इंस्ट्रक्शन आई. तो कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं जो है वो अपने एग्जाम डे की बात करता हूँ कि जो भी वो प्रिकॉशंस थी, सब चीजें थी, सिस्टम चेक था, सब कर दिया. नवंबर 6th or 7th माइट बी डेट थी कि मैं अपने घर पे ही था, वहां पे मैंने अपना एग्जाम जो है वो ऑन किया. तो एक प्रॉक्टर आपके सामने बैठा होता है और वो आपको देख रहा होता है एंड उसके साथ साथ जो है वो आपने कैमरा, दो कैमराज ऑन करने होते हैं. तो मैंने बोला ठीक है. अच्छा, हमारे जो लैपटॉप्स हैं उनकी बैटरी टाइमिंग्स आपको पता है कि एग्जाम होता है 3.5 घंटे का, लेकिन बैटरी टाइमिंग इतनी होती नहीं है, सो हमें चार्जर कनेक्ट करने की इजाजत थी कि आप चार्जर कनेक्ट कर सकते हो. जैसे ही मैंने प्रॉक्टर से हेलो हाय करके एंड ऑल दैट स्टार्ट किया, तो उसके बाद आई गेस 5 to 10 minutes में कोई बारिश होना शुरू हुई एंड पूरी लाइट जो है वो पूरे एरिया की लाइट जो है वो चली गई. अच्छा, अब लाइट चली गई, अब देखिए मैंने एग्जाम अपना स्टार्ट कर दिया है, सही है, रिमोट प्रॉक्टर मेरे सामने बैठा है और लाइट चली गई. अब उस वक्त आप एक स्टूडेंट होके, आप क्योंकि सब स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक स्टूडेंट की जरा वो दिल की आहट सुन लें कि उसमें क्या बातें, क्या सोच रहा होगा वो, और उसको अपना कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का ICAEW वन ऑफ द टॉप नॉच बॉडी का एग्जाम सॉल्व करना है. अच्छा, जैसे ही लाइट जाती है तो एको वगैरह के ये मसले, घर वालों की आवाजें, तो वहां से दूर से आवाजें आना शुरू हो गई कि यार पेपर चल रहा है, कैसे करेगा, क्या करेगा. हमारे घर में क्योंकि UPS था, तो काफी हद तक जो है वो बैटरी तो ऑन रही उसकी, देखा जाए तो पंखा स्लो चलता रहा, लाइट चलती रही, तो इसलिए प्रॉक्टर को भी कोई इश्यू नहीं हुआ. बट UPS में मैं अपना लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकता था. अब जैसे मैंने देखा कि लैपटॉप की बैटरी टाइमिंग जो है वो कोई रह गई है 2 या 2.5 घंटे, सही है, बैटरी टाइमिंग लैपटॉप की 2 या 2.5 घंटे रह गई है, और देखा जाए तो लाइट भी नहीं है, और मेरा पेपर कोई 3.5 घंटे का रहता है, तो व्हाट शुड आई डू. मतलब एट दैट पॉइंट मुझे ये रियलाइज हो गया कि मेरा पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं होने वाला. आप सोचें, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का एग्जाम पता चल गया कंप्लीट नहीं होने वाला, तो भाई पास कैसे करेंगे. आई इन्फॉर्म माई प्रॉक्टर के इस तरह से इशू हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला है देखो हम लोग तो एक एक्सटर्नल इन्विजिलेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये सारी चीजें ना अपनी ICAEW को बताना, मेरा काम है आपको देखना, आप पेपर करते रहो. मैंने बोला कि अगर मैं बीच में किसी तरह ऑन करूं, किसी तरह ऑफ करूं, कोई लाइट सोर्स अरेंज करूं या कुछ करूं. उन्होंने बोला आपको जो करना है करो, आप जैसे ही बंद करोगे उसके बाद ऑन करोगे, टिल द टाइम यू आर बीइंग ग्रांटेड आपका पेपर वहीं से चलेगा. तो चलो, उससे मुझे एक अश्योरेंस हो गई कि जब तक लाइट नहीं आए मेरा लैपटॉप तो चलता रहेगा, खुदा ना वास्ता अगर लैपटॉप बंद हो गया तो आई हैव टाइम कि मैं उसे ऑन कर सकता हूं. तो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मुझे जो है अपना पेपर करना है. मैं आधा घंटा खो चुका था अपना,
सॉल्व करते रहे करते रहे करते रहे। अब बार बार देख रहा हूँ कुछ प्रॉक्टर तो नहीं कह रहा, बार बार देख रहा हूँ कि यार टाइम जो है वो बैटरी टाइमिंग कितनी रह गई है और टाइम कितना रह गया है बार बार। और फिर मैं सोच रहा हूँ, और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एक हैवी एग्जाम है, उसमें कितने दुनिया जहां के जो है वो IFRS और ISS पूछे जाते हैं, किए जा रहे हैं। तो 2 घंटे कोई हो गए एंड लैपटॉप की बैटरी जो है वो खत्म हो गई, एंड मेरा पेपर मेरे ख्याल से 60 मार्क्स या इसका जो है वो कुछ सॉल्व हुआ था। क्या करें, क्योंकि बैटरी भी डाउन है, UPS भी जाने वाला है। एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि यार अपना लैपटॉप बंद करो, मींस शट विंडोज शट डाउन करो, और सॉरी स्क्रीन शट डाउन करो, एंड फौरन से कहीं ऐसी जगह भागो जहां पे लाइट चल रही हो या कोई जनरेटर या इस तरह का, जहां से लैपटॉप चार्ज हो सके। सो 2 घंटे में मैंने लैपटॉप बंद किया। मैंने भाई को बोला कि भागो, हम ऐसी जगह पहुंचे विद इन 5 मिनट्स एक घर में गए जहां पे जनरेटर चल रहा था, और वहां जाके मैंने अपना लैपटॉप चार्ज किया एंड वापस ऑन किया, तो मेरा पेपर वहीं से शुरू हुआ। कोई हाफ आवर रह गया था मेरे पास एंड एक पूरा क्वेश्चन या 1.5 क्वेश्चन रह गया था, तो ऑब्वियसली पेपर पूरा तो नहीं कर सकता था, लेकिन 65 से 70 मार्क्स तक का आई रिमेम्बर कि मैंने पेपर अटेम्प्ट कर लिया। ऑब्वियसली SER ओपन बुक होता है, लेकिन उसमें बुक खोलने का टाइम मैम नहीं होता, और मेरे पास तो वैसे ही टाइम शॉर्ट था, तो मैं कैसे जो है वो बुक खोलता या चीजें देखता, तो जो जितना आता था हम लोग कर सकते थे। क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ये सब काफी, फिर मेरा एक्सपीरियंस भी क्योंकि रिपोर्टिंग का रहा है, तो काफी सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मुझे ग्रिप थी, तो उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट समहाउ आई मैनेज टू कंप्लीट माई पेपर ऑफ 70 मार्क्स। अब आप सोचो, अब यहां से मैं अपना रिजल्ट तो शेयर करूंगा, डोंट वरी, लेकिन ये कि व्हाट्स द लर्निंग हियर, लर्निंग जो है हमारी वो ये है कि आपको रुकना नहीं है, सही है, व्हाट एवर द सर्कमस्टेंसेस। ये मैं एग्जाम के दिन की ICAW के वन ऑफ द लास्ट पेपर की मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। दिस इज नॉट जस्ट अ बिगिनर्स पेपर, इट्स देखा जाए तो रिपोर्टिंग की बिल्कुल आखिरी कदम है ये वाला पेपर, जिसको मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया देखा जाए तो। कंक्लूजन ये कि यू गाइस डोंट नीड टू स्टॉप। इससे आपने सीखा क्या कि व्हाट एवर द सर्कमस्टेंसेस इज, आपको चलते ही रहना है, आपने अपने एम्स पे अपने एम्बिशंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, एंड व्हाट एवर इज गोना हैपन, आपने अपनी मेहनत अगर पूरी की है तो ऑब्वियसली आपको उसका अजर बिल्कुल मिलेगा। व्हेन आई अटेम्प्टेड दैट पेपर ऑफ 70 मार्क्स, मैंने अपने प्रॉक्टर से पूछा कि यार ये जो सारे हालात हुए इस पे मैं क्या करूं, उसने बोला आप ICAW को एक स्पेशल कंसिडरेशन रेज कर दो कि आपने पेपर अटेम्प्टिंग में इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की, एंड देन इट्स ऑन ICAW के वो क्या करता है। फिर आई रिजल्ट की बारी, तो जैसे ही रिजल्ट आया आई वॉज रियली शॉक्ड कि मेरे 70 मार्क्स अटेम्प्ट करके आई गॉट 56 मार्क्स। तो आप यहां पे सोचें कि एक टाइम वो था जब लाइट चली गई थी एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार मैं पेपर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एंड येट देन व्हेन आई केप्ट माई मोटिवेशन हाई और केप्ट माई मोरल हाई कि मुझे अपना पेपर पूरा करना ही करना है एंड देयर इज नो बैक फ्रॉम इट, then I managed to pass with these circumstances. तो यही आपका एक माइंड फैक्टर होता है। इनफैक्ट एक आर्टिकल मैं ACCA का पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने साफ साफ ये चीज मेंशन की हुई थी कि बच्चों को तैयारी से ज्यादा उनका जो डर है पेपर का, या उनका जो पेपर वाले लास्ट 10 डेज हैं जिसमें वो अपने आप को लेके चलते हैं, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अगर वो लेस फोकस्ड रहे ऑन एग्जाम। तो यही एक वीडियो, एक मैसेज फॉर यू गाइस कि आपके पास आई गेस 10 और 11 डेज है, तो इसमें अपना मोराल हाई रखें, एक प्रॉपर रिविजन प्लानर बनाएं, अपने अपने ट्यूटर अपने मेंटोर से कॉन्टेक्ट में रहें कि सर मैं इस तरीके से अपने पेपर को अटेंड करने जाऊंगा, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू पास। See you all guys. Allah Hafiz.